सो अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रिज्म। इस टॉपिक में क्या होता है कि हम डिविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका ग्राफ देखेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स है वो उस ग्राफ से हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हमें देखना है वेरिएशन ऑफ डिविएशन विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये मैंने प्रिज्म का कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाया है, डिविएशन वर्सेस आई का ये ग्राफ है पूरा। सो यहाँ पर हम इस ग्राफ को देखें तो एक इसका मिनिमम पॉइंट है और दोनों ही तरफ हम देखें तो जो वैल्यू है डिविएशन की वो बड़ी हुई हमें दिखेगी। एक ही ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर डिविएशन सबसे कम में हमें मिलेगा और इस कर्व के दोनों ही साइड हम देखें तो वहाँ पर डिविएशन हमें बढ़ता हुआ मिलेगा। और पर एक बात हम देखें, अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पर बनाऊँ तो ये इस कर्व को दो पॉइंट पे कट करेगी। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक सेम डिविएशन को रिप्रेजेंट कर रही है। सो वो डिविएशन हम मान लेते हैं डेल, मतलब एक डिविएशन के लिए हमारे पास दो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू होती है। ध्यान से समझिएगा, एक कैरेक्टरिस्टिक है कर्व की प्रिज्म के, तो एक डिविएशन के लिए हमारे पास दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे, मैक्सिमम दो। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं एक्स के बराबर, और यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं वाई के बराबर। ठीक है, तो यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस पॉइंट पे वो इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस, और यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के कारण। सो हर डिविएशन के करस्पॉन्डिंग हमें मैक्सिमम दो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल सकते हैं और दो एंगल ऑफ इमर्जेंस मिल सकते हैं, पर केवल एक ही ऐसी कंडीशन होती है जहां पर हमें डेल की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक ही वैल्यू मिलती है, वो कंडीशन आती है मिनिमम डिविएशन पर। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो डिविएशन होगा वो होगा मिनिमम, और यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस के। ठीक है, तो देयर इज वन एंड ओनली वन एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ डिविएशन इज मिनिमम, और वो कंडीशन कब आती है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस ये दोनों बराबर होते हैं। अब यहाँ पर दो ऐसे भी पॉइंट हमें दिख रहे हैं जहाँ पर जो डिविएशन है वो मैक्सिमम होगा, तो एक ये पॉइंट है जहाँ पर डिविएशन मैक्सिमम दिख रहा है और एक ये भी पॉइंट है जहाँ पर जो डिविएशन है वो मैक्सिमम दिख रहा है। और मैक्सिमम डिविएशन तब होता है जब एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो और दूसरा जब एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 डिग्री हो। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हम देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर, और यहां पर हम देखें तो जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो यहां पर होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो सबसे मिनिमम होना चाहिए, जिसे मैंने आई मीन से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस कंडीशन की बात करें तो यहां पर जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा वो भी किसके बराबर होना चाहिए, आई मिन के बराबर होना चाहिए। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो यहां पर जो मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसके लिए एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 डिग्री, अगर यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है तो एंगल ऑफ इमर्जेंस यहां पर किसके बराबर होना चाहिए, आई मिन के बराबर। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी डिविएशन मैक्सिमम होगा उस कंडीशन पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 90 डिग्री होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होगा, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात कर रहे हैं हम, और यहाँ पर जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो आई मीन के बराबर होगा। और डिविएशन एक और बार मैक्सिमम होता है जब एंगल ऑफ इमर्जेंस ये 90 डिग्री होगा और यहाँ पर जो इंसिडेंट एंगल है वो है आई मीन के बराबर, मतलब मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर। और जो मिनिमम डिविएशन होता है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 2i माइनस a से हम निकाल सकते हैं। ओके,
सो ये पूरा हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रिज्म।